बिजनौर में ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ओबीसी आरक्षण कठिन है और चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रदेश के हर जिले में जाकर सर्वे करेंगे, उन्होंने ये कहा। और ये भी उन्होंने कहा है कि आयोग को रिपोर्ट देने में 6 महीने का वक्त लग जाएगा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के दिशा निर्देश पर काम करेंगे। तो ये बड़ी बात कही है राम अवतार सिंह ने, जो कि ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि 6 महीने का वक्त इसमें लगेगा। सुनवाते हैं आप। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार के साथ दांव पे लगी हुई है, इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगे, चूंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा, यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आयोग के गठन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टी फॉर्मूले के तहत ही ओबीसी आरक्षण है और ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करके ही निकाय चुनाव होंगे। अखिलेश के ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमले पर उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि फर्जी राजनीतिक मुद्दा बना रहे अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही ट्रिपल टी फॉर्मूले को लेकर आदेश पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद 2012 से 2017 तक स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के रैपिड सर्वे से ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव करवाया था। समाजवादी पार्टी ने भी ट्रिपल सी के फॉर्मूले का पालन कराने के लिए कभी कमीशन का गठन नहीं किया। 2022 में जब बीजेपी सरकार इसी फॉर्मूले के तहत रैपिड सर्वे के आधार पर निकाय चुनाव करा रही थी, तब विपक्ष बेवजह मुद्दा बनाने में जुटा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा पहले भी स्पष्ट थी, अब भी स्पष्ट है और सदा सर्वदा के लिए स्पष्ट है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ ना न्याय किए हैं और ना न्याय होने दिए हैं, ना कभी होने देंगे। जहाँ तक नगरीय निकाय के चुनाव की बात है, इस चुनाव में ट्रिपल सी फार्मूला लागू करने के लिए जो पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कल सरकार ने करने की सूचना सार्वजनिक कर दी है, और यह आयोग अब ट्रिपल सी फार्मूले के अंतर्गत सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करके सरकार को रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए नगरीय निकाय के चुनाव को सरकार कराने के लिए तैयार है। श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी पार्टी के नेता हों, जब मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला करता है तो यह मैं मानता हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए हमारी पार्टी माँ के समान है, और मेरे ऊपर हमला नहीं, मेरी पार्टी के ऊपर हमला है और मेरे पार्टी के एक एक समर्थक के ऊपर हमला है, जो लगातार हमें अपना आशीर्वाद दे करके जिता रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। वहीं पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार हर वर्ग को साथ देकर चलती है, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, आयोग का गठन हो गया है, अब एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के हकों के साथ है, हर स्थिति में हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आयोग गठन की अधिसूचना जारी करा दी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम उनकी बात को रखेंगे और उसके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। असल विपक्षी दलों के पास कोई काम नहीं है, पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, नीति एजेंडा और उनके पास केवल गुंडई अराजकता को बढ़ावा देना रहा है। जितने भी अपराधी तत्व थे वो समाजवादी पार्टी में ही संरक्षण पाकर के पले बढ़े हैं। जनता ने बुरी तरह ने नकार दिया है और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडई एक दूसरे के पर्याय है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा ये उनका काम है, और चूंकि एक वो राजनीतिक दल है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का भी कोई सरोकार नहीं है। जन सुनवाई को लेकर अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों को सीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी। देखिए, कई जिलों में शिकायतें आ रही थी कि IERS पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में नहीं हो रहा है, और कुछ जिलों में गलत ढंग से उनको फीड किया गया था, मतलब समस्या का निस्तारण न हो करके समस्या को निस्तारित दिखाया गया था। ऐसे मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं, हर स्थिति में जनता जनार्दन की बात को सुनना होगा और जो नहीं सुनेंगे वो कार्रवाई के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी भी की निगरानी करता हूं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।